हेलो फ्रेंड, सालनी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पराठे। सबसे पहले हम गैस को चालू करेंगे और कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका, अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच जैसा रिफाइंड तेल डाल लेंगे। तेल को हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा 1 चम्मच जैसा है, अजमा और मंगरेला, इन तीनों को डालकर इनको चटकने दूंगे। अब हम इसमें एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज जो बारीक बारीक काट लिए हैं वो डाल लेंगे। और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। एक से 2 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि प्याज का पानी सूख जाए और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें 2 चम्मच जैसा बेसन डाल लेंगे और प्याज के साथ इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि बेसन जले नहीं और बेसन से धीमी धीमी अच्छे से सुगंध आने लगे, तब तक बेसन को भूनना है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल लेंगे। मिर्ची पाउडर अपने स्वाद के अनुसार डालना है, ज्यादा तीखा नहीं करना है। और साथ में हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लेंगे। मसालों से प्याज और बेसन की अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर मैंने 200 ग्राम जैसा आटा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और इसे हम सख्त आटा गूंद लेंगे। सबसे पहले हम तवे को गर्म करने के लिए रख देंगे और आटे का लोई बनाएंगे। टू के आकार का लोई लिया है, अब हम इसे ऐसे गोल राउंड बनाएंगे। अब हम इसमें सूखा आटा मिलाएंगे और इसे कटोरी का शेप देंगे। देखिए मैंने कितना अच्छा से कटोरी का शेप दिया है। अब हम इसमें प्याज और बेसन का जो फिलिंग्स तैयार किया है वो इसमें 1 चम्मच जैसा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। जितना बड़ा कटोरी बनाएंगे उतना ज्यादा मसाला आप भर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से पैक कर देंगे ताकि ये टूटे नहीं। और इसे देखिए कितना अच्छी तरह से धीरे धीरे हाथों से प्रेस कर देंगे। अब हम इसमें सूखा आटा मिलाएंगे और इसे मोटा ही बेल लेंगे। तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बेली हुई रोटी को डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे दोनों साइड से। एक साइड से हो चुका है, अब हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। और देखिए कितना मोटा पराठा है। और इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। पराठा एक तरफ से पक चुका है, अब हम इसमें घी लगाएंगे और इसे दूसरी साइड भी पलट कर इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर घी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से करारी हो और अच्छी तरह से पक भी जाए। पराठा रेडी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह बारी बारी से हम सारे पराठों को बेल लेंगे और सेक लेंगे। प्याज के पराठे की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।